इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 5 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा, तो मैंने 22 फंदे डाल दिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। अब आपको यदि अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो हमने पहली लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। तो हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। पहले फंदे को हम या तो उल्टा बुनेंगे या फिर स्लिप कर लेंगे। अब 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। 2 बार लपेटा, उल्टा बुन लिया, 2, 1, 2 बार लपेटा और उल्टा बुन लिया, 3, 4, 5। तो 5 फंदों को हमने सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया है। अब 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 10 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा, यानी 5 फंदों को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 2, 3, 4, 5 और अगले 5 फंदे हम उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये आखिरी फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे या तो सीधा बुनें या फिर स्लिप कर लें। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। 5 फंदे जिसे हमने उल्टा बुना था उसे हम सामने की तरफ से सीधा बुन लेंगे। और ये 5 फंदे जिन्हें हमने लपेटा हुआ था इसे हम खोल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन लपेटे हुए 5 फंदों को हम 2 हिस्से में बांटेंगे, 2 फंदा बाईं सिलाई में और 3 फंदा दाहिनी सिलाई में। अब बाईं सिलाई वाली बाएं हाथ वाली सिलाई को हम इन 3 फंदों में पीछे की तरफ सिलाएंगे। देखिए, पहले की तरफ से हमने सिलाई डाला और तीसरे फंदे में ऐसे निकाल दिया। फिर से देखिए, हमने बाईं सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे डाला और ऐसे निकाल लिया। अब ये तीनों फंदे पलट जाएंगे और इन्हें हम एक साथ लेंगे। देखिए, 5 फंदों को हमने एक साथ ले लिया और अब इन 5 फंदों से 5 फंदे बनाएंगे। 1 गुन अपनी ओर किया, ये हो गया 2, फिर सीधा बुना 3, फिर उन अपनी ओर किया 4 और फिर इसी में एक बार और सीधा 5। तो 5 फंदों से हमने 5 फंदे बना लिए। अब हम इन्हें गिरा देंगे। अब देखिए, फिर यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। ये 5 फंदे हमने जिसे उल्टा बुना था उन्हें हम वापस सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और लपेटे हुए 5 फंदों को हम खोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन 5 फंदों को हम 2 हिस्से में करेंगे, 2 फंदा बाएं सिलाई में और 3 फंदा दाहिने सिलाई में। अब बाएं सिलाई को पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे और इन तीनों फंदों के अंदर से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए, बीच वाला फंदा हम जब अपना सिलाई खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इन 5 फंदों को हम एक साथ लेंगे और देखिए, हम बैक लूप से सीधा बुन रहे हैं। हमने
इधर से सिलाई नहीं डाली है, बल्कि जो फंदा ऊपर की तरफ आया है उधर से ही ऐसे बैक लूप से हम बुनना शुरू करेंगे। एक फंदा बनाया, ऊन अपनी ओर किया, ये दूसरा फंदा हो गया, फिर इसी में तीन ऊन अपनी ओर, फिर हमें इसे गिराना नहीं है, इसी में एक फंदा और बनाना है, तो ये हो गया पाँच। पांच फंदों से देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच फंदों से पांच फंदे हो गए। अब इन्हें हम गिरा देंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। तो हमने दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब हमारा यहाँ से पैटर्न चालू होगा। अब जिन पांच फंदों को हमने लपेटा था उन्हें हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। एक दो तीन चार पांच, और देखिए यहाँ पे हमने पांच फंदों को उल्टा बुना था, तो अब इन पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे। एक दो तीन चार पांच, तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हमें दोहराना है। अब देखिए यहाँ पे पिछली बार हमने डिजाइन बनाया था, तो अब की इन पांच फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। एक दो चार पांच, और इसे इन पांच फंदों को हमने उल्टा बुना था, तो अब की डिजाइन यहीं पे पड़ेगा और इन पांच फंदों को हम सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लेंगे। लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ, तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम चाहें तो सीधा बुने या फिर स्लिप कर लें। अब लपेटे हुए पांच फंदों को हम खोलेंगे। इन पांच फंदों को हम दो हिस्से में करेंगे, बाएं सिलाई को पीछे की तरफ से ले आएंगे और ऐसे तीनों फंदों में डालेंगे। अब दाहिनी साइड को निकाल लिया। अब पांचों फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन पांच फंदों से पांच फंदा बनाएंगे। एक उन अपनी ओर किया, दो फिर इन्हें पांच फंदों में, तीन उन अपनी ओर किया, चार और फिर इन्हीं पांच फंदों में हम पांचवा फंदा भी बना लेंगे। तो पांच से हमने पांच फंदे बना लिए। अब इसे हम गिरा देंगे और देखिए यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया था पिछली लाइन में। अब इन पांच फंदों को हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं दस फंदों को हमें दोहराना है। अब फिर हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न चालू हो जाएगा। इन पांच लपेटे हुए फंदों को खोलेंगे, दो हिस्से में करेंगे, बाईं सिलाई में दो फंदा, दाहिनी सिलाई में तीन फंदा। बाईं सिलाई को हम पीछे की तरफ से ऐसे दाहिनी सिलाई वाले फंदों में पीछे की तरफ से ऐसे डालेंगे और तीनों फंदों में ऐसे निकाल लेंगे। अब हमने दाहिनी सिलाई को हटा लिया और इन पांचों फंदों को एक साथ लेंगे और हम सीधा बुनते हुए बैक लूप से सीधा बुनते हुए पांच फंदा बनाएंगे। एक उन अपनी ओर, दो तीन उन अपनी ओर, चार और पांच। अब लास्ट में छह फंदे बचे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और इस तरह हमारा डिजाइन कंप्लीट होता है। इन्हीं चार लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, दस फंदों का और चार लाइन का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है।
तो आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।